हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल जर्नी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक निकालेंगे, उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझेंगे, उसको लिखना कैसे है, उसकी थ्योरी, धारिता का व्यंजक, संरचना, डायग्राम कैसे बनाना है, इसको समझेंगे और इस क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ है समांतर प्लेट संधारित्र, इसकी संरचना, डायग्राम ऐसा बनाना है आप लोगों को। इसको मैं एक बार अच्छे से समझा देता हूँ और इसकी फिर पूरी थ्योरी को आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा, इसको कैसे लिखना है। पहले आपको इसको समझना है, क्वेश्चन हमारे पास कैसे है, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, तो समांतर प्लेट संधारित्र क्या है? समान ज्यामिति एवं समान क्षेत्रफल की दो धातु प्लेटें परस्पर अल्प दूरी पर एक दूसरे के समांतर स्थित हो तो यह व्यवस्था समांतर प्लेट संधारित्र कहलाती है। संधारित्र क्या होती है? अगर कोई चालक है हमारे पास, कोई चालक है, उसका आकार बढ़ाए बिना हम अगर उसकी धारिता को बढ़ा देते हैं तो वो संधारित्र कहलाता है, कंडेंसर कहलाता है। कंडेंसर को समझिए, संधारित्र को समझिए। संधारित्र मतलब कि हमारे पास कोई चालक है, उसका आकार बढ़ाए बिना अगर हमको उसकी धारिता को बढ़ाना है तो यह समांतर प्लेट, यह संधारित्र कहलाता है। अब देखिए कि समांतर प्लेट संधारित्र क्या है। समांतर प्लेट संधारित्र को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ये कि जो डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पर एक प्लेट ए है, दूसरी प्लेट बी है, इस पर हम प्लस की आवेश देते हैं, मतलब इसको आवेशित करते हैं, तो प्रेरण द्वारा इसके पास रखी दूसरी प्लेट जो इसी के आकार की है, ए और बी दो प्लेटें हैं जो एक दूसरे से समांतर रखी हुई है। अब अगर हम इस पर प्लस क्यू आवेश देते हैं तो इसके दोनों साइड धनात्मक आवेश और प्रेरण द्वारा प्लेट बी के अंदर साइड ऋणात्मक आवेश और बाहर साइड धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है और इसको हम पृथ्वीकृत कर देते हैं, जिससे इसका पूरा धन आवेश पृथ्वी में चला जाता है। अभी जो लाइन बनी है, दो प्लेट है, एक प्लेट ए और एक प्लेट बी है, इसके कारण इन दोनों के बीच में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। अब देखिए, यहाँ पर आप दो तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर बिंदु P को कंसिडर कर लीजिए, तो प्लेट A के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं, प्लेट B के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालकर अलग से सॉल्व कर सकते हैं। या देखिए, इसको और अच्छे से समझिए कि एक प्लेट A ये है हमारे पास, दूसरी प्लेट ये है, हमने क्या किया, दोनों को एक दूसरे के समांतर रख दी हुई है। अब इसको हमने जोड़ दिया बैटरी से, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब यहां पर पॉजिटिव चार्ज, एक प्लेट ए और एक प्लेट बी, दोनों जगह यहां पर धनात्मक चार्ज उत्पन्न हो गया और इसके अंदर से ऋणात्मक चार्ज उत्पन्न हो गया। ठीक है, यहां हमने क्या किया, बैटरी जोड़कर इसको आवेशित कर दिया। अब आवेशित करने के बाद इसके बीच में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसके बीच में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसके कारण हमको धारिता निकालना है। क्वेश्चन समझिए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए, या आप डायग्राम को इस प्रकार से समझिए और आखिरी में जब मैं बताऊंगा तो उसको उस तरीके से लिख लीजिएगा। क्वेश्चन को समझने के लिए एक बार बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए। ए और बी हमारे पास दो प्लेटें हैं, तो एक दूसरे के समांतर रखी हुई है। ठीक है, हमने इसको आवेशित करने के लिए इसमें बैटरी जोड़ दी, तो बैटरी का धन सिरा इस प्लेट से और ऋण सिरा इस प्लेट से जोड़ दिया, तो इसके अंदर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो गया। ठीक, और एक पर धनात्मक आवेश और एक पर ऋणात्मक आवेश के कारण प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। अब हमको विद्युत क्षेत्र यहाँ पर कितना है ये देखना है और धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। क्वेश्चन को समझिए कि सबसे पहले हमको निकालना क्या है, धारिता। धारिता होती क्या है, धारिता सी बराबर, धारिता सी बराबर क्यू अपॉन वी, धारिता सी बराबर क्यू अपॉन वी होता है, धारिता सी बराबर क्यू अपॉन वी। अब जहां पर क्यू जो है, क्यू आवेश है और वी विभवांतर है, वी विभवांतर, हमको C इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी चाहिए। अब पहले V की गणना करना पड़ेगा, विभवांतर क्या ये देखना पड़ेगा, तो विभवांतर जो होता है, विभवांतर, विभवांतर होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणित दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। तो यहां पर मैं दूरी लिख रहा हूं, समझिएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणित दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, तो देखिए यहां पर हम प्लेट ए के कारण यहां पर एक पॉइंट पी कंसीडर कर लेते हैं और दोनों प्लेटों की जो बीच की दूरी है उसको मान लेते हैं स्मॉल डी। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात करना है। धारिता होती है सी इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी, जहां पर क्यू आवेश होता है और वी विभवांतर होता है, विभवांतर होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणित दूरी। अब देखिए यहां पर हम क्या निकालेंगे, प्लेट ए के कारण, इसको समझिए और इसका पूरा कंप्लीट डेरिवेशन मैं आपको आखिरी में बताऊंगा, उसकी थ्योरी कैसे लिखनी है, उसकी डायग्राम को कैसे कंप्लीट करना है, यहां पर सब समझिए। जितना अच्छे से आप समझोगे क्वेश्चन को उतना अच्छा आपको लिखने में आसानी होगी और क्वेश्चन को आप आराम से लिख सकते हो। देखिए दोस्तों, यहां पर हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, अगर हम यहां पर क्या करें, प्लेट A के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं A के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेट A के कारण
बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो जाएगा E1 इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2K एप्सिलॉन नॉट, E1 इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2K एप्सिलॉन नॉट। और बी प्लेट के कारण जो दूसरी वाली प्लेट है हमारे पास बी प्लेट, इसके कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो ये हो जाएगा E2 इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2K एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है आवेश का पृष्ठ घनत्व। सिग्मा इज इक्वल्स टू होता है क्यू अपॉन ए, ये क्यू हो गया आवेश और ए जो है वो है क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल किसका, तो क्षेत्रफल इन दोनों प्लेटों का, दोनों समान प्लेटें हैं एक दूसरे के समांतर रखी हुई है, दोनों के बीच की दूरी डी है। अब प्लेट ए के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2K एप्सिलॉन नॉट, और बिंदु पी पर प्लेट बी के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2K एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए विभवांतर होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन दोस्तों यहां पर दो प्लेटें रखी हुई है, हमको परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, तो यहां पर हम क्या करेंगे, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास E1 प्लस E2। यहां से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, विभवांतर में मान रखेंगे और डायरेक्ट धारिता का व्यंजक सॉल्व कर लेंगे। E इक्वल E1 प्लस E2, तो E इज इक्वल्स टू E1 हो गया हमारे पास सिग्मा अपॉन 2K एप्सिलॉन नॉट प्लस E2 हो गया सिग्मा अपॉन 2K एप्सिलॉन नॉट। तो E इज इक्वल्स टू यहां जाएगा हमारे पास 2 सिग्मा अपॉन 2K एप्सिलॉन नॉट। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, E इज इक्वल्स टू हो गया सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट। अब हमको क्या करना है, सिग्मा की जगह पर वैल्यू पुट करना है, तो सिग्मा की जगह पर हम क्या करेंगे, सिग्मा इज इक्वल्स टू आवेश का पृष्ठ घनत्व क्यू अपॉन ए, आवेश क्यू है और क्षेत्रफल यहां पर ए हो जाएगा। तो यहां पर हम वैल्यू रखने वाले, देखिए ई इज इक्वल टू सिग्मा की जगह पर क्यू अपॉन ए के एप्सिलॉन नॉट, तो ई इज इक्वल्स टू क्यू ये हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट और ये ए, ये आ गया हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल गई दोनों प्लेटों के कारण, तो हम क्या करने वाले हैं, विभवांतर की जगह पर मान रख देंगे, तो यहाँ से हमारे पास विभवांतर आ जाएगा V इक्वल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इंटू डी, V इज इक्वल्स टू E की जगह पर हम रख देंगे Q के एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी, ये आ गया हमारे पास विभवांतर। अब विभवांतर आ गया, हमको चाहिए धारिता, क्वेश्चन समझिए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट क्या होती है, संधारित्र क्या होती है और धारिता, ये हमने देख लिए। यहाँ पर हमको वैल्यू पुट करना है, तो V ये हो गया हमारे पास विभवांतर, धारिता बराबर Q अपॉन V, तो C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V, C इक्वल Q की जगह पर हम Q रखेंगे और V की जगह पर रखेंगे Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A इंटू D, Q से Q कैंसिल, C इज इक्वल्स टू देखिए नीचे वाला ऊपर चले जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अब वायु या निर्वात में K इज इक्वल्स टू होता है 1, तो C इक्वल एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से हमने क्या किया, विभवांतर निकाला और विभवांतर उसकी वैल्यू रखी धारिता में। अब C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D है, यहां पर इसकी यूनिट जो होगी ऐसा ही मात्रक जो होगा वो होगा फैराड, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ऐसा ही मात्रक होगा फैराड, ऐसा ही मात्रक इसका फैराड, धारिता का ऐसा ही मात्रक यहां पर इसका हो जाएगा फैराड। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकली हमारे पास C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अब सुनिए यहां पर समझिए, अगर वो बोलेगा इसको प्रभावित करने वाले कारक, यहां से क्वेश्चन में ये पूछ लेता है प्रभावित करने वाले कारक, मतलब धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, तो जो डेरिवेशन होता है उसको देखना है हमारे पास, C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D है, A इसका मतलब C अनुक्रमानुपाती हो गया A, इसका मतलब कि आप प्लेट के क्षेत्रफल को बढ़ाओगे धारिता बढ़ेगी, C अनुक्रमानुपाती 1 अपॉन D, यहाँ पर उसकी दूरी पर दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर, कंडेंसर की धारिता संधारित्र की धारिता किसके ऊपर निर्भर करेगी, दोनों प्लेट के बीच की दूरी पर उसके क्षेत्रफल पर, आप उसकी दूरी को बढ़ाओगे तो धारिता कम होगी क्योंकि 1 अपॉन डी आ रहा है, सी अनुक्रमानुपाती 1 अपॉन डी। और यहाँ पर देखिए अगर हम इसकी बात करें तो सी अनुक्रमानुपाती के उनके बीच के माध्यम पर, जो संधारित्र की धारिता है उनके बीच के माध्यम पर भी निर्भर करेगी। तो दोस्तों एक क्वेश्चन था, इसको मैंने सिर्फ रफ जैसे वर्क में सॉल्व किया है, इसको समझिए आप जो जो हमने सॉल्व किया है, इसके बाद देखिए इसको सिस्टमैटिक तरीके से कैसे करना है। सिस्टमैटिक तरीके से करने के लिए देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है समांतर प्लेट संधारित्र, आप संरचना लिखिए, चित्र के बारे में सारी डिटेल लिखिए,
चित्र के बारे में डिटेल मैंने लिख दी हुई है। चित्र में समांतर प्लेट संधारित्र प्रदर्शित है। इसमें धातु की दो समतल प्लेट ए व बी परस्पर समांतर तथा एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखी है। दोनों के बीच की दूरी डी है। दोनों प्लेटों के बीच वायु अथवा कोई अन्य परावैद्युत माध्यम भरा रहता है। प्लेट बी को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है तथा प्लेट ए को आवेश प्लस की कूलाम दिया जाता है। आवेश का ऐसा ही मात्रा कूलाम होता है। हर एक चीज़ फिजिक्स में जब पढ़ो आप तो उसकी यूनिट आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कीजिए। देखिए धारिता के लिए व्यंजक, व्यंजक निकालने के लिए हमने क्या किया, माना प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए तथा प्लेट के बीच की दूरी डी है। माना कि दोनों प्लेटों के मध्य जो माध्यम भरा है उसका परावैद्युतांक के है। जब प्लेट ए को आवेश प्लस की कूलाम देते तो विद्युत प्रेरण के कारण प्लेट बी के उस पृष्ठ पर जो प्लेट ए के समीप है आवेश माइनस क्यू प्रेरित हो जाता है तथा दूर वाले पृष्ठ पर आवेश प्लस क्यू प्रेरित हो जाता है। प्लेट बी को बी का आवेश माइनस क्यू तथा प्लेट ए का धन आवेश से बद्ध रहता है, लेकिन प्लेट बी का आवेश प्लस क्यू पृथ्वी पर चला जाता है अर्थात प्लेटों के बीच प्रत्येक स्थान पर किनारों को छोड़कर विद्युत क्षेत्र एक समान होता है। इसके बाद हमने जो सॉल्व किया उसको बहुत अच्छे से यहाँ पर मैंने सिस्टमेटिक लिख दिया हुआ है। आप यहाँ से कंप्लीट कीजिए, वीडियो को सामने से देखिए, पूरा कंप्लीट कीजिए। पूरा वीडियो अगर आप कंप्लीट करते हो तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ये क्वेश्चन आप कभी नहीं भूलोगे। बहुत अच्छे से कंप्लीट कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। E इज इक्वल्स टू ये देखिए के क्यू अपन के एप्सिलॉन नॉट ए। इसके बाद हमको सॉल्व करना है यहाँ से हम क्या करने वाले, विभवांतर बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू दूरी, यहाँ पर गुणित दूरी हो जाएगा। V इज इक्वल्स टू ई इंटू डी हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे और लिखा जाएंगे यहाँ से C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी फैराड। यहाँ पर आप लिख सकते हो अगर पूछेगा कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, तो मैंने यहाँ पर समझा दिया हुआ है जो यहाँ पर आता है उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। C इक्वल आया A मतलब क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो धारिता बढ़ेगी, अपॉन में डी आया दूरी बढ़ाओगे, दोनों के बीच की दूरी बढ़ाओगे तो धारिता घटेगी। तो दोस्तों ये था समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। बहुत ईजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप समझिए और कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। अगली वीडियो में एक बार फिर से मिलूंगा, इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।